नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान का कोरोना से निधन। पाक एक्ट्रेस सबा कमर के खिलाफ एफआईआर, मस्जिद के अंदर शूट किया था वीडियो। चीन के जमीन हड़पने के डर से ओली ने की पीएम मोदी से बात। संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 150 FIR करवाए। चीन को झटका, मलेशिया ने साउथ चाइना सी पर किया दावे को खारिज। यूपी में बीजेपी की पूर्व मेयर पर मुस्लिम लड़की का धर्म बदलवाने का आरोप। पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर अजय सिंह भट्टी कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे बंद, केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित। दिल्ली के संसद की एनएक्सी बिल्डिंग में आग, दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में रविवार रात आईईडी बरामद, बड़ा हादसा टला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती है। बिहार में जेडीयू ने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाला। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। दिल्ली के मोरीगेट के कूचा मोहत्तर खान में अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गुजरात के नेशनल हाईवे 8 पर 2 कारों में टक्कर, 5 लोगों की मौत व 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त के लिए दोस्त का इमोशनल नोट, शेर है तू शेर। चेतन चौहान को याद कर बोले गावस्कर, पार्टनर नहीं रहा कैसे मुस्कुरा सकता हो। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि अभी अर्थव्यवस्था में आएगी और बड़ी गिरावट। एनसीसी के 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों तक विस्तार को रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी भी वेंटिलेटर पर, पुत्र बोले हालत में काफी सुधार। गोवा के रेव पार्टी से 3 विदेशियों समेत 23 लोग गिरफ्तार, ड्रग्स बरामद। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर, मंडराया बाढ़ का खतरा, कई जिलों में हाई अलर्ट। तमिलनाडु के मंत्री ने मदुरै को दूसरी राजधानी बनाने का रखा प्रस्ताव, कहा खुलेंगे रोजगार के अवसर। गुजरात में भरूच के थोक सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर राख। जापान के स्टार खिलाड़ी केई निशिकोरी कोरोना पॉजिटिव, अमेरिका में खुद को किया क्वारंटीन।